मोदी ये ब्रांड नहीं है, मोदी एक जिंदगी है। मोदी औरों के लिए जितना जी सकता है जीने के लिए प्रयास करता है। कुछ नहीं सब झूठा है, कुछ नहीं सब झूठा है, नरेंद्र मोदी ने झूठा है। काशी ने इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया कि बनारस के फक्कड़पन में ये फकीर भी रम गया। अनिल, नीरज, मेहुल, विजय, नाम जानते हो। ठीक है, प्रधानमंत्री ये महसूस कर रहे हैं कि उनकी पॉपुलैरिटी अब वैसी नहीं जैसी 2014 में, कि प्रधानमंत्री बहुत दिनों से घबराए हुए थे। कल शाम को उनके चेहरे पर कुछ इत्मीनान इसलिए नज़र आया कि प्रियंका जी चुनाव नहीं लड़ रही हैं, उनको जब ये पता चला। अभी तक 3 चरणों के चुनाव हो चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी अपने आप को बहुत कमज़ोर व फिसड्डी महसूस कर रही है। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। वाराणसी के सभी घाटों पर अगर हम घूम जाएं तो भारतीय राजनीति की पूरी कहानी संकेतों में बयां कर सकते हैं, लेकिन अभी तो हम दशाश्वमेध घाट पर मौजूद हैं, जहां कहा जाता है कि अगर एक डुबकी लगा ली जाए तो अश्वमेध यज्ञ का जो असर होगा, उससे जो पुण्य मिलेगा वो यहां पर प्राप्त हो जाता है। इसका सीधा असर आप भारत की राजनीति से समझ गए हैं, लेकिन हम वाराणसी की सीट पर पहुंचे हैं। मुकाबला ज्यादा यहां पर बचा नहीं है, फिर भी आकलन जरूरी है क्योंकि लोकतंत्र में रहते हैं हम। और इसके साथ ही वाराणसी के आसपास की जो सीटें हैं उस पर इस सीट का कितना प्रभाव, पूर्वांचल पर कितना प्रभाव, पूर्वी उत्तर प्रदेश पर कितना प्रभाव, बाकी बचे दौर के चुनाव पर कितना प्रभाव, जनता के बीच जाकर पेश करते हैं श्वेत पत्र। ये काशी है बाबा विश्वनाथ की, जो यूपी के सियासी तापमान का थर्मामीटर बन चुकी है। आपके विरोधी मैदान छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं, वाराणसी में आपके सामने खड़ा कोई नहीं है अब वैसा? देखिए, एक तो मेरा कोई विरोधी नहीं है, प्रतिस्पर्धी है, और हर पार्टी एक ही कैंडिडेट खड़ा करती है, कोई एक पार्टी 2-4 कैंडिडेट तो खड़ा नहीं कर सकती है। तो जो खड़ा करते हैं वो मुकाबला करते हैं, वो अपनी बात बताते हैं, हम अपनी बात बताते हैं। उन्होंने रोड शो किया, पहले भी रोड शो करते हैं, कोई नई बात उसमें नहीं है। गंगा आरती उन्होंने पहले भी की है, भले गंगा साफ ना हुई हो, लेकिन आरती हो तो करते हैं, सभी जाके करते हैं। गंगा जिस तरह साफ होनी चाहिए, बिल्कुल साफ नहीं हुई है वहाँ पे। तो कोई वादा तो पूरा किया नहीं है उन्होंने बनारस के लिए। ये काशी है काशी नरेश की, जहां गंगा की लहरें भी सियासी उफान का संकेत दे रही हैं। मतलब प्रियंका गांधी वाड्रा के नहीं आने से कोई दिक्कत नहीं यहां पर, कोई बदलाव नहीं? काशी के लोगों में एक उत्साह उमंग भरा पड़ा है, लेकिन एक बात बिल्कुल तय है कि प्रधानमंत्री बहुत दिनों से घबराए हुए थे। कल शाम को उनके चेहरे पर कुछ इत्मीनान इसलिए नज़र आया कि प्रियंका जी चुनाव नहीं लड़ रही हैं, उनको जब ये पता चला। ये काशी है रैदास और कबीर की, जो राजनीति शास्त्र की नई परिभाषाएं गढ़ने को तैयार नजर आती है। रोड का और बिजली की अंडरग्राउंड करना और भी तमाम कॉरिडोर पर भी काम उन्होंने किया हुआ है। काम किया है मोदी जी ने? जी, बहुत काम किया है। नरेंद्र मोदी यहाँ पे आए गंगा सफाई के नाम पे, माँ गंगा को ठग लिए। आज माँ गंगा का पानी आचमन योग्य नहीं है। ये वो काशी है जहाँ हिंदुस्तान का सबसे बड़ा चुनाव होना है, यहाँ की लड़ाई पर दुनिया की निगाह। काशी ने इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया
कि बनारस के फक्कड़पन में ये फकीर भी रम गया। फक्कड़पन काशी का जग जाहिर मिजाज है, लेकिन चुनावी जिम्मेदारी को लेकर कितनी सजग है काशी, ये आज श्वेत पत्र में हम आपको बताएंगे। हम जानने की कोशिश करेंगे बनारस की जनता से कि प्रधानमंत्री की संसदीय सीट पर क्या और कितना बदला है बीते 5 सालों में। प्रधानमंत्री मोदी के काशी विकास के दावों की सच्चाई क्या है, क्या है काशी की जनता के लिए इन चुनावों में वोट के मुद्दे, और जवाब तलाशेंगे उस सबसे बड़े सवाल का कि क्या बनारस में शक्ति प्रदर्शन से प्रधानमंत्री मोदी ने साधे हैं एक तीर से कई निशाने। हम वाराणसी की गलियों में घूमे, लोगों के घरों में गए, चाय की दुकानों पर चुनावी बहस का हिस्सा बने और तलाशा इस सवाल का जवाब कि क्या है बनारस के दिल में। रामचंद्र जी को जब उस समय नाव की जरूरत पड़ी थी तो उस समय उन्होंने हम निषादों की नाव ली थी, लेकिन मोदी जी ने तो अपनी नई नाव बना के बनारस में चलवाना शुरू करवा दिया है, तो ऐसे में हम कैसे इनके साथ हो सकते हैं। इसके पहले तो हम लोगों ने भी इनको वोट दिया था। मोदी जी ने जो भी काम किया यहाँ पे, अभी तक इतने दिनों से बनारस में हूँ, अभी तक इतना काम तो हुआ नहीं। राजनीति के रंगमंच में जो भूमिका बनारस की तय हो चुकी है, उसने बाबा विश्वनाथ की नगरी को सियासत का सबसे बड़ा अखाड़ा बना दिया है। गलियों में सियासत की बातें, चाय की दुकानों पर राजनीति की चालें, गंगा के घाटों पर चुनावी बहस, और हर बहस में सियासत, सियासत और बस सियासत। कहने को काशी सिर्फ एक लोकसभा सीट है, लेकिन कुछ तो ऐसा हुआ है कि पूरे देश की राजनीति का मंडोल रहा है। बनारस की जनता जानती है ना बनारस का विकास हुआ, ना वहाँ रोजगार दिया गया, ना किसानों की बेहतरी हुई, केवल बनारस की जनता को ठगने का काम किया। इस इवेंट मैनेजमेंट के जरिए से एक बार फिर वो ये साबित करना चाहते हैं कि बनारस जो है उनके लिए बाहें खोल करके खड़ा हुआ है। तो ये ज़बरदस्ती की इवेंट बनाना, ज़बरदस्ती की भीड़ जमा करना, ताकत के बल पर उसका इस्तेमाल करके लोगों को मरूब करने का जो काम है, लोगों को इम्प्रेस करने का जो काम है, ये प्रधानमंत्री की पुरानी शैली है। 2014 से पहले बनारस राजनीति का इतना बड़ा केंद्र कभी नहीं था जितना कि आज नजर आता है। इन बीते 5 सालों में प्रधानमंत्री के 18 दौरों ने बनारस को सियासत का सेंटर बना दिया। इस दौरान वो विदेशी मेहमानों को भी काशी लेकर गए। अब जब दूसरी बार बनारस से दिल्ली विजय का आशीर्वाद लेने पहुंचे, तो जनता की अदालत में खड़े होकर अपने ऊपर उठे हर सवाल के जवाब के बाद नया सवाल विपक्ष के सामने छोड़ दिया। आपने कहा काशी ने मुझे बहुत बदला, आप काशी को क्योटो बनाने की राह पर कितना ले पाए? पहली बात है कि लोकतंत्र अपने आप में एक उत्सव होना चाहिए। जी। जितना ज्यादा उसको उत्सव का रूप देंगे लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन दुर्भाग्य से कुछ नियमों में ऐसे पूरी चुनाव प्रक्रिया जकड़ दी गई है कि शायद उसका जो एक फेस्टिविटी मूड होना चाहिए वो बोझिल बनता चला गया है। लेकिन मैं बनारस वासियों का आभारी हूँ कि उन्होंने सचमुच में इसको एक फेस्टिवल रूप में कन्वर्ट कर दिया। भावनात्मक मुद्दों पर राजनीति होती है, लेकिन सिर्फ भावनाओं पर राजनीति हो नहीं सकती, कम से कम आज के दौर में। आपको दिखाना है विकास हुआ तो कितना हुआ। 2014 के चुनावों में गुजरात राज्य को एक गुजरात मॉडल, विकास के मॉडल के तौर पर पेश किया गया था। इस बार कोशिश यही वाराणसी के साथ। दावे सरकार की तरफ से ये किए गए हैं कि जो जितनी भी बिजली की लाइनें थी सभी अंडरग्राउंड कर दिया गया है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की बहुत बात हो रही है, यहाँ पर सड़कों का को जो ठीक उन्हें मरम्मत किया गया है, चौड़ा किया गया है, उसकी बातें होती हैं। गलियों में गुजरने की जगह बन गई है, ऐसी बातें कही जाती हैं। क्या ये विकास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनाव क्षेत्र से निकलकर समूचे देश के लिए एक मॉडल का काम करेगा? हमने वाराणसी में पिछले 5 साल के कामकाज की समीक्षा की। इस दौरान काशी के लिए
तकरीबन 315 बड़ी योजनाएं स्वीकृत हुई, जिनमें लगभग 279 परियोजनाएं पूरी की जा चुकी हैं। यहां केंद्र सरकार की ओर से 20,000 करोड़ से अधिक का निवेश हो चुका है। ये हमारे मोदी सरकार की देन है, इसीलिए तो हम लोग यहाँ पर साक्षात प्रवृत्ति हर वक्त बने रहते हैं यहीं पर। 5 साल के अंदर बहुत बदलाव हुआ है। ये सारी सीढ़ियाँ ढकी थी मिट्टी से, मोदी जी आए एक फावड़ा चलाए, उसके बाद पूरे घाट का नक्शा बदल गया सर। काशी की जो नई तस्वीर रची जा रही है, इनमें हाईवे परियोजना बनारस सुल्तानपुर बनारस आजमगढ़ बनारस गाजीपुर 4 लेन के निर्माण पर करीब 11,000 करोड़ का निवेश हुआ है। ऊर्जा गंगा परियोजना पर 1,000 करोड़, IPDS के भूमिगत बिजली तार पर 572 करोड़ की योजना पर काम चल रहा है, जबकि 200 करोड़ की लागत से लालपुर में ट्रेड फैसिलिटी सेंटर का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। हालांकि कई लोग कामकाज को लेकर असंतुष्ट हैं, खासकर शहर के कई इलाकों में लगने वाले लंबे लंबे जाम से। जुमले से जो है पूरा देश शहर हमारा बर्बाद है। योजनाओं के नाम पे हमारे जो बनारस की संस्कृति है उसको नष्ट किया गया। यहाँ लोग मुक्ति के लिए आते हैं, लेकिन मोदी ने ये तो भगवान को ही मुक्ति दे दी है, तो आप समझ सकते हैं कितने बड़े बड़बोले हैं ये। सरकार का दावा है कि निर्माणाधीन योजनाओं के पूरा होने के बाद यातायात से लेकर तमाम अन्य दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। वैसे कई परियोजनाएं हैं जिन पर अभी आगे काम होना है, जैसे मेट्रो रेल, सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना, काशी रेलवे स्टेशन पर मल्टी मॉडल स्टेशन का निर्माण, पंचकोशी मार्ग का विस्तार। पर जो प्रधानमंत्री के दिल के सबसे करीब है वो है द्वादश ज्योतिर्लिंगों में सर्वोपरि वाराणसी का श्री काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर। आप तो चला निकला ना भैया। काशी विश्वनाथ मंदिर सालों से गलियों के मकड़जाल में दूर से दिखता भी नहीं था। प्राचीन मूर्तियां घरों के निर्माण में छिपी हुई थी, वहां अब दूसरी ही तस्वीर आकार ले रही है। हमें लगा कि कुछ आगे भी देखा, घर टूटे हुए थे, हमें लगा अपने आप टूटे या कोई रेनोवेशन के लिए तोड़े गए, तो पता चला यहाँ पूरा कॉरिडोर बन रहा है घाट से लेकर उस तक, तो ये मंदिर सामने आए। इसके लिए लोगों के भीषण विरोध का सामना करना पड़ा, पर अब जो ढांचा बनकर तैयार है वो वाराणसी के जरिए देश के कोने कोने को संदेश दे रहा है। लेकिन राजनीति को समझने वाले लोग समझ रहे हैं कि इस दफा प्रधानमंत्री मोदी के लिए बनारस का मतलब सिर्फ विकास की कहानियां सुनाना भर नहीं है, न ही ये एक सीट का नामांकन और उस पर अपनी जीत सुनिश्चित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहीं से अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। दरअसल उनका जो नामांकन होता है वो चुनाव लड़ने से बड़ा इसीलिए महत्वपूर्ण होता है क्योंकि उसके जरिए वो एक संदेश देते हैं, चाहे जो प्रस्तावक सामने आते हैं या फिर एनडीए के गठबंधन साथियों की एकता को दिखाने का प्रयास। संकेतों के माध्यम से सत्ता के अश्वमेध यज्ञ में एक संकेत गठबंधन की राजनीति में खुद को अग्रणी साबित करने का भी मिलता है। नामांकन था प्रधानमंत्री मोदी का, लेकिन एनडीए का पूरा कुनबा एक साथ मौजूद था। उद्धव थे, नीतीश कुमार थे, अनुप्रिया पटेल थी, रामविलास पासवान थे, AIADMK नेता के अलावा BJP के कई कद्दावर नेता नामांकन का हिस्सा बनने आए। ये तो ओपन सीक्रेट है, दीवार पर लिखा हुआ है कि एनडीए की सरकार बजट बन रही है, पिछली बार से ज्यादा सीट लेकर के नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री क्या कहते हैं कि बन रहे हैं, पूरे देश में लहर चल रहा है और ये लहर 2014 से ज्यादा क्या कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में लहर है। संसदीय क्षेत्र प्रधानमंत्री का, जन सैलाब प्रधानमंत्री मोदी की रैली का, लेकिन विपक्ष ने जिस तरह BJP के जुलूस की लंबी लकीर को छोटा बताना शुरू किया उससे ये स्पष्ट हो गया कि प्रधानमंत्री मोदी का तीर निशाने पर लगा है। हालांकि वोटों और सीटों में कितना इजाफा होगा इसका आकलन 23 मई से पहले कर पाना किसी के लिए संभव नहीं, लेकिन विपक्ष आक्रामक मुद्रा में सामने है। इन्होंने चौकीदार को गालियां दी, इन्होंने राम भक्तों को गालियां दी, लेकिन हुआ क्या हुआ,
इनका खेल खत्म हो गया। बिहार को अलग अलग वायदे किए, स्पेशल स्टेटस, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार, 15 लाख रुपए बैंक अकाउंट में, कुछ नहीं, सब झूठा है, कुछ नहीं, सब झूठा है, नरेंद्र मोदी ने झूठा है। चुनावी रणनीति के हिसाब से नरेंद्र मोदी की तैयारी विपक्ष से कहीं आगे की नजर आती है। 3 चरणों में 303 सीटों पर वोट डाले जा चुके हैं। इसके साथ ही दक्षिणी राज्यों का चुनाव भी लगभग संपन्न हो चुका है। अब बारी उत्तर प्रदेश की 54 सीटों के अलावा हरियाणा, मध्य प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, बिहार समेत कई राज्यों की 240 सीटों पर वोट डाला जाना अभी बाकी है। हिंदुत्व और राष्ट्रवाद यहाँ बड़ा चुनावी मुद्दा हो सकता है। कब से चाय? चाय वाला 2008 से। उस टाइम से अभी तक आपको कुछ अलग दिखा है, बदला है? काहे नहीं बदला है, क्या बदला? यही सर, सफाई है, सफाई ज्यादा हुआ है, बहुत ज्यादा, यहाँ सील्ड के चार फीट। मोदी जी से आप खुश हैं कि नाराज हैं? नहीं, मोदी जी से हम खुश हैं। मोदी जी के आने के बाद लेमन टी बिका है? नहीं, हमारा वो बात नहीं है, मोदी जी पर इसलिए खुश है, मतलब हमको राजनीति से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन इतना हम खुश हैं कि बीपी सिंह के समय में रजिया बेगम का अपहरण हुआ, 2 विमान छोड़े गए, 2 आतंकवादी छोड़े गए। अच्छा। वाजपेयी जी के समय में विमान अपहरण हुआ, 5 आतंकवादी छोड़े। इन्होंने हमारे जवान को 40 को मारे, जवाब दे दिए। मोदी के स्वागत में बनारस केसरिया हुआ तो विपक्ष ने आरोपों की तलवारें तो खींच ली, लेकिन राजनीति अगर चालों की शह और मात का खेल है तो ये स्पष्ट है कि बीजेपी की सियासी चाल में हिंदुत्व और बलिदान का केसरिया रंग ही सबसे गाढ़ा होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक लार्जर देन लाइफ कटआउट आपको गंगा जी के एक छोर पर नजर आ जाएगा। दरअसल पूरे वाराणसी में आलम यही है, इसीलिए बात बात पर प्रियंका वाड्रा जो ये पूछा करती थी कि वाराणसी से लड़ जाऊं क्या, अचानक जब उम्मीदवार घोषित किया गया तो उनका नामो निशान कहीं पर नहीं था। और वही अजय राय चुनाव मैदान में कांग्रेस द्वारा उतारे गए, जो पिछली बार के चुनावों में नंबर 3 पर रहे थे, जिनका जमानत जब्त कर लिया गया था। पर ये लोकतंत्र है, जब तक चुनाव के नतीजे आ नहीं जाते तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपनी तरफ से दावा कर रही है कि जीत पक्की है, अब देखना है कि कितने मार्जिन से ये जीत हासिल हो पाती है। अगर मोदी जी लड़ रहे हैं तो लड़ने जा रहा हूँ, मोदी को हराने के लिए हम लोग तैयार हैं, तो हमारे सब लोग तैयार हैं, और मोदी जी को भागना पड़ेगा। इस बार इनकी चौकीदारी की भी ये नई नाटकबाजी भी इनको नहीं बचा पाएगी। देश में कांग्रेस और बीजेपी से ज्यादा तीसरे दल के लोग जीत करके आ रहे हैं। विपक्ष की राजनीति में यह तय था कि अपनी शक्ति से इस दफा गंगा की लहरों में इतना उफान भर देंगे कि प्रधानमंत्री मोदी को यह एहसास हो जाएगा, बनारस से लड़े तो कश्ती भंवर में डूब सकती है। गठबंधन ने ताल ठोकी थी। 5 साल बाद पता लगा कि चाय कैसे निकली, और अब चौकीदार बनकर के आए हैं, तो बताओ चौकी छीनोगे कि नहीं छीनोगे। कांग्रेस ने यूपी में नई जान फूंकने वाली प्रियंका गांधी वाड्रा को आगे किया था। प्रियंका ने खुद आगे बढ़कर बनारस में मोदी को चुनौती देने का संकेत दिया था। टेलीप्रॉम्प्टर लगा रहता है, पीछे से कंट्रोलर है, कंट्रोलर कहता है नरेंद्र मोदी जी देखिए रोजगार की बात मत कीजिए, नरेंद्र मोदी 15 लाख की बात मत कीजिए, जनता गुस्सा हो जाती है, नरेंद्र मोदी जी किसानों की बात करिए मत, फंस जाएंगे। कंट्रोलर पीछे से कंट्रोल करता है, नरेंद्र मोदी बोलते हैं। अब भैया वक्त बदलने वाला है, नरेंद्र मोदी जी हारने वाले हैं, कांग्रेस पार्टी की सरकार आने वाली है। प्रियंका अगर प्रधानमंत्री के खिलाफ चुनाव मैदान में उतरती तो कांग्रेस चुनावी लड़ाई में अपनी संजीदगी का सबसे बड़ा सबूत दे सकती थी, उसके कार्यकर्ताओं का उत्साह चरम पर पहुंच सकता था। मुमकिन है प्रियंका दावा करती तो महागठबंधन का समर्थन भी उन्हें मिल जाता। हमने प्रत्याशियों के फाइनल होने से पहले ये सवाल वाराणसी की जनता से पूछा था कि प्रियंका को काशी से लड़ना चाहिए या नहीं। अच्छा रह गया आपका प्रश्न एक है कि मोदी की क्या हाल है। मोदी के मोदी 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 है यहाँ,
और वही जीतेगा। प्रियंका लड़ेंगी तो वही हाल केजरीवाल वाला होगा। एक बात बताए आपसे, आप किसी खानदान की हैं, यही आपका योगदान है पॉलिटिक्स में। आपने अपने परिवार के लिए प्रचार किया इसके पहले, आपने देश के लिए तो कुछ नहीं किया। क्या यहाँ पर प्रियंका वाड्रा को आना चाहिए नरेंद्र मोदी के खिलाफ? बिल्कुल आए, लोकतंत्र की ये खूबसूरती होगी कि एक पार्टी के प्रमुख हैं, महासचिव हैं, वो लड़े आके प्रधानमंत्री के खिलाफ, तो एक अच्छा संदेश जाएगा। पर कोई महत्व नहीं है, चुनाव की दृष्टि से उनका जीत पाना नामुमकिन है बनारस। अगर प्रियंका गांधी आती हैं तो बनारस की लड़ाई बहुत जबरदस्त। प्रियंका वोट नगर से भी लड़ेंगी तो बहुत ज्यादा दिलचस्प होगा, इसमें क्या, प्रियंका कहीं से भी लड़ेंगी दिलचस्प होगा। मोदी विरोधी प्रियंका गांधी वाड्रा के नाम की अटकलों को लेकर ही उत्साहित थे। मोदी समर्थक एक दिलचस्प मुकाबले को लेकर उत्साहित थे, लेकिन नामांकन की तारीख आते आते विपक्ष आत्मसमर्पण की मुद्रा में नजर आने लगा। प्रियंका ने अपने पांव पीछे खींच लिए। गठबंधन ने एक ऐसे चेहरे को उतार दिया जो गठबंधन के प्रत्याशी चयन की गंभीरता पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। पार्टी प्रेसिडेंट ने फाइनल डिसीजन उन्हें दिया था, वो डिसीजन प्रियंका जी का है। खुद ने सोचा कि उन्हें बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अभी खुद ने सोचा कि रादर देन कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन वन सीट शी शुड फोकस ऑन द जॉब शी हैज एट हैंड, तो दैट डिसीजन वाज फाइनली हर्स एंड शी डिसाइडेड इट। जब प्रियंका गांधी वाड्रा का जिम्मा ही पूर्वी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस में नई जान फूंकने का था, तो सबसे अहम मुकाबले में वो जिम्मेदारी से पीछे क्यों हट गई? प्रधानमंत्री मोदी की संसदीय सीट पर उनको हराने के लिए गठबंधन कांग्रेस के साथ खड़े होकर एक मजबूत चुनौती देने के लिए तैयार क्यों नहीं हुआ? ₹2019 के चुनाव तो पहले से शुरू हो गए, लेकिन असली जो सियासी शंखनाद है वो तब शुरू हुआ जब वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना रोड शो किया, क्योंकि इसके जरिए एक तरह से अपना दबदबा दिखाया। उसके बाद नामांकन के लिए पहुंचे तो अपने जो गठबंधन के साथी हैं उनके साथ अपनी एकजुटता दिखाई। कुल मिलाकर सियासी शंखनाद जो वाराणसी में हुआ है उसका असर दूर दूर तक होने का अनुमान लगाया जा रहा है। डमरू की डमडम के बीच बनारस सियासत की बोली बोल रहा है। शंख के नाद में राजनीति का नया उद्घोष सुनाई दे रहा है। मंत्रों के उच्चारण संग सत्ता का नया मंत्र गूंज रहा है। क्या मोदी के मेगा रोड शो का असर बनारस के बाहर की भी लोकसभा सीटों पर पड़ेगा? क्या इस रोड शो में दिखा जोश गठबंधन के लिए खतरे की घंटी है? क्या इस रोड शो ने पलट दिया है विपक्ष की राजनीति का पूरा गेम प्लान? देश में उत्साह का माहौल है और देश में लोग खुद कह रहे हैं, फिर एक बार, फिर एक बार। यही वो जोश है जिसने 2014 में 80 में से 71 सीटें बीजेपी और कुल 73 सीटें एनडीए के खाते में डाल दी थी। इस दफा गठबंधन के गणित के सामने बीजेपी कार्यकर्ताओं के जोश में जो कमी नजर आ रही थी उसे एक बार फिर से मोदी मैजिक ने जागृत कर दिया है। ये ठीक है कि 80 में से 26 सीटों पर वोट डाले जा चुके हैं, लेकिन ये भी सच है कि अभी तो अकेले यूपी की ही 54 सीटों की लड़ाई बाकी है। इस बार के रोड शो की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि यहाँ कार्यकर्ता पीछे और जनता आगे हो गई है। तैयारियाँ बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। अगर चुनावों का लेखा जोखा देखें तो पता चलता है कि दक्षिण का चुनाव लगभग संपन्न हो चुका है। अब सारी लड़ाई मुख्य रूप से पूर्वी, मध्य और पश्चिमी भारत की बची है।
अभी बिहार की 26, हरियाणा की सभी 10, झारखंड की 14, मध्य प्रदेश की 29, राजस्थान की सभी 25, पंजाब की सभी 13, उत्तर प्रदेश की 54, दिल्ली की 7, पश्चिम बंगाल की 32 सीटों पर शेष बचे 4 चरणों में वोटिंग होनी है। इसके अलावा उड़ीसा और जम्मू कश्मीर की कुछ सीटों पर वोट डाले जाने बाकी हैं। सवाल ये उठता है कि बनारस को साधकर प्रधानमंत्री मोदी ने संकेत क्या दिया है? आइए हम आपको सिलसिलेवार ढंग से समझाते हैं। अगर अवध प्रांत को छोड़ दिया जाए तो पूर्वांचल में 6 मंडल आते हैं, देवीपाटन, गोरखपुर, मिर्जापुर, आजमगढ़, वाराणसी और प्रयागराज। इन सभी 6 मंडलों के अंदर 26 लोकसभा सीटें आती हैं। इन सभी सीटों का केंद्र बिंदु बनारस है, क्योंकि व्यापार, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी जरूरतों के लिए काफी हद तक इनमें से कई क्षेत्र वाराणसी पर निर्भर रहते हैं। इसीलिए जो हवा वाराणसी में बहती है उसका काफी प्रभाव पूरे पूर्वांचल पर पड़ता है। अगर 2014 के चुनाव परिणामों को देखा जाए तो आजमगढ़ को छोड़कर बीजेपी ने ये सारी सीटें जीती थी। प्रधानमंत्री मोदी की बनारस रैली का व्यापक असर हुआ था। पूर्वांचल यानी पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार का एक बड़े इलाके को मिलाकर उस इलाके को पूर्वांचल कहते हैं, जहां पर लोकसभा की जितनी सीटें हैं उस पर निगाहें सबकी रहती हैं। बहुत घनी आबादी वाला इलाका है ये। यही कारण रहा कि 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी को अपना संसदीय क्षेत्र चुना, तो 2019 में दोबारा यहीं से वो एक सांसद बनने के लिए पहुंचे हैं। और एक बहुत बड़ा कारण है यही कि प्रियंका गांधी वाड्रा को पूर्वी उत्तर प्रदेश की कमान दी गई। बनारस में प्रधानमंत्री मोदी को जो हासिल हुआ उसकी चमक उनकी आंखों में नजर आती है। परिणाम क्या होगा कोई नहीं जानता, लेकिन जो चरण दर चरण उनकी चुनावी रणनीति थी वो मजबूत दिखाई दे रही है। दरअसल पूर्वांचल का दायरा राज्य की सीमाओं के हिसाब से जरूर उत्तर प्रदेश के बॉर्डर के साथ सिमटता हुआ दिखता है, लेकिन बोली और खान पान के लिहाज से ये बिहार की कम से कम 7 लोकसभा सीटों से सीधे जुड़ाव रखता है। ये माना जाता है कि वाराणसी की हवा उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल तक पहुंचते पहुंचते आंधी में बदल जाती है, तो बिहार की आरा, बक्सर, सासाराम, सारण, गोपालगंज, सीवान और चंपारण लोकसभा सीटों तक पहुंचते पहुंचते सुनामी में बदल जाती है। और जब इन सीटों पर किसी तरह का चुनावी असर तय हो जाता है तो पटना साहिब और पाटलिपुत्र भी इसके प्रभाव से अछूते नहीं रह पाते। पिछली बार ये सारी सीटें बीजेपी ने जीती थी। चुनाव का रिजल्ट हो चुका है, इसमें कोई अब नहीं है, सिर्फ औपचारिकता बाकी है और जाकर के जो है अब ओथ लेना है 23 तारीख के बाद, बस इतनी फॉर्मेलिटी बाकी है। पूरे देश में लहर चल रहा है महागठबंधन गठबंधन, ये लोग अब फिर लीडर ऑफ दी अपोजिशन के लिए फाइट करे, प्रधानमंत्री का ख्वाब तो अभी 24 तक छोड़ दे। राजनीति में संकेतों के कई मायने होते हैं और इन मायनों में प्रधानमंत्री मोदी दूसरे नेताओं से आगे दिखते हैं। सबसे बड़ा संकेत उन्होंने इस बार एक ही सीट से चुनाव मैदान में उतार कर दिया है। ये मौका कांग्रेस के पास भी था अगर उसने प्रियंका गांधी वाड्रा को वाराणसी से चुनाव मैदान में उतारा होता। देखिए, लोग चाहते थे कि प्रियंका जी वहां से चुनाव लड़े और प्रियंका जी का बड़ा स्पष्ट बराबर लगातार बयान आया कि हमें जो कांग्रेस अध्यक्ष आदेश करेंगे हम करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जब तक बनारस में रहे बनारस के रस में डूबे रहे, कभी बनारस के फक्कड़पन के साथ अपने मिजाज को फकीरी बताया तो कभी बच्चों के साथ ताल से ताल मिलाई। एक सवाल हमारा भी रहा जनता से कि प्रधानमंत्री मोदी की दावेदारी को वो कैसे देखते हैं? अभी तो ये 5 साल का कार्यकाल चला है, अभी इनको और मौका मिलना चाहिए, और समय मिलना चाहिए। शुरुआत हुई, अभी उनको टाइम चाहिए ना। रोड जिस पे आई होंगे, एयरपोर्ट से उतर के आई होंगे मैडम, इसके पहले भी आप आई होंगी। महागठबंधन और कांग्रेस पार्टी ने भले ही वाराणसी में आधे मन से उम्मीदवारों को उतारा हो, लेकिन अगर हम अखिलेश यादव की सीट आजमगढ़ को देखें तो समझ में आता है कि निरहुआ को वहां पर अपना उम्मीदवार बनाने के पीछे बीजेपी की एक बड़ी सोच रही। चुनावी नतीजा चाहे जो भी हो, एक चुनावी सोच जरूर नजर आती है। अरे भैया, तू वही बा
पर्चा भरवा जीतवा हेलीकॉप्टर में बैठ के उड़िए बा तुहके पता ना कि सलाद के सड़क के का हाल है। अगर राहुल गांधी की अमेठी सीट को भी देखते हैं तो भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में राहुल गांधी के सामने स्मृति ईरानी को उतारा था। स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी के जीत के फासले को कम किया। हारने के बावजूद इस बार फिर से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को राहुल गांधी के खिलाफ मैदान में उतारा गया। उनकी क्षमता में नहीं है काम करना। वो चाहते हैं कि जनता यहाँ के लाचार रहे, निर्धन रहे, क्योंकि अगर लाचार निर्धन नहीं रहेगी तो उन पे अधीन नहीं रहेगी। तो उनका ये मानना है शायद कि मैं 5 साल में एक बार आऊंगा, 2 बार आऊंगा, हाथ दिखाऊंगा, चला जाऊंगा। एक तरफ आजमगढ़ और अमेठी में बीजेपी के प्रत्याशी हैं, दूसरी तरफ वाराणसी में महागठबंधन और कांग्रेस की ओर से एक अधूरा नजर आने वाला प्रयास। अब नामांकन की भी तस्वीर की तुलना कीजिए। ये तस्वीर अखिलेश यादव के नामांकन की है और ये तस्वीर राहुल गांधी के नामांकन की। सब कुछ व्यक्तिगत है। अखिलेश के साथ गठबंधन की सबसे अहम कड़ी मायावती नहीं है। राहुल गांधी का अमेठी से नामांकन हुआ तो गुलाब की पंखुड़ियां और ढोल नगाड़े तो थे, लेकिन संकेत परिवार तक ही सीमित रहे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब वाराणसी से नामांकन किया तो उनका गठबंधन परिवार तमाम आलोचनाओं और विरोधाभासी बयानबाजी के बावजूद एक साथ एकजुट होने के संकेत दे रहा था। बनारस का पान, हम चुनाव बनारसिया कह रहे हैं लेकिन पान बनारसिया के पास पहुंचे हैं, क्योंकि वो गाना जो है उसकी असली कहानी यहाँ से शुरू होती है। आपने खास एक डॉन बेचर का गाना सुना था, खै के पान बनारस वाला, तो वो गाना पहले ऐसे राइट हुआ, खै के पान गामा वाला, ये आपका वाला। या फिर उसको हाईलाइट करने के लिए ऐसे बना, खई के पान बनारस वाला। और बनारस एक ऐतिहासिक धरोहर से और काफ़ी इंक्लूडेड ऐतिहासिक इसके गलियों से हैं, जिसमें आपको बहुत से इंटरनेशनल यहाँ बड़े बड़े लोग आया करते थे, बहुत से रिकॉर्ड्स हैं इसके। और VIPs की तो मतलब ये एक VIPs नहीं, नहीं इसकी कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि काफ़ी लोग सही है। अब VIP कंस्टिट्यूएंसी है एकदम, बिल्कुल ना है ये, तो इसमें कहने की बात नहीं। इस बार देश के PM फिर वहीं यहीं से हैं, बिल्कुल नहीं 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 सेम टू यू, मतलब मोदी जी यहाँ से हैं और रहेंगे और आगे भी रहेंगे।